हम नैतिक लोग हैं ना, सीधे सीधे ये नहीं कह पाएंगे कि अरे मन नहीं लग रहा, बिस्तर चाहिए, क्योंकि बचपन से ही सुना हुआ है कि कुछ धर्म चर्चा इत्यादि हो रही हो तो अच्छी चीज होती है, उसको सुनना चाहिए। तो मर्यादावश कभी तन के नहीं बोल पाएंगे कि मुझे भगना है, तो हम भगने के गुप्त द्वार खोजते हैं, वो है सोना। उठ के नहीं भाग सकते तो बैठे बैठे भाग जाएंगे, बैठे बैठे भाग जाने को कहते हैं सोना। ये चोर दरवाजा है। वास्तव में अगर आप में जोर होता, जान होती, सामर्थ्य होती तो आप उठ के ही भाग लेते। और याद रखिएगा कि जो आज बैठे बैठे भाग रहा है कल वो उठ के भी भागेगा, बस वो इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से इतनी सामर्थ्य आ जाए। अभी जरा दबा हुआ है, अभी जरा सहमा हुआ है, अभी जरा उस पर नैतिकता का या परिस्थितियों का जोर है, इसीलिए उठ के नहीं भाग पा रहा, अभी वो बैठे बैठे भाग रहा है। समय की बात है, जल्दी ही उठ के भी भागेगा, या तो उठ के भागेगा या आएगा नहीं, बहाना बना देगा। वो जरा मेरे 48वें बाल में दर्द था, क्यों नहीं हो सकता, शरीर उपयोगी है। 48वें बाल में दर्द है, हमें जरा भी करुणा नहीं होनी चाहिए। और ये रंग भेद है, बाल काला है इसीलिए ध्यान न दें उस पर। हम नहीं आएंगे, आज बाल दर्द कर रहा है। वो खुद क्यों ना सो जाती। आज एक सज्जन थे हमारे ग्रुप में, वो नदी पार करके चले गए थे, उधर पढ़ने गए थे। उनसे बाद में पूछा कि आप वहाँ से पढ़ रहे थे, तो ऐसी आवाज़ सुन रहा था मैं नदी की, मैंने कहा ये कैसी नदी है कि एक कोने पर आवाज़ आती दूसरे कोने में आती, बोले नहीं नहीं वहाँ पर मैं आती है। तो एक ही पूरा रवैया होता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक के संग हो रहा है कि ग्रंथों से उछटता है मन, सभी के संग होता है। किसी को नींद आती है, कोई संवाद हो रहा होता है, तो इसमें अपनी तरफ से हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि जब मन उठ मतलब उठते उस चीज़ से फिर भी हम उसमें लगे रहें, क्योंकि इसमें भी एक कंफ्लिक्ट तो महसूस होता ही है कि नींद आ रही है, कुछ हो रहा है, तब भी उस समय पर तो कुछ नहीं हो सकता। पर वो समय, वो अवसर, वो घटना इशारा करती है कि तुम्हारे पूरे जीवन की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि तुम्हें ग्रंथ के पास नहीं आने दे रही, तुम्हारी जबान को चटपटे का स्वाद चढ़ गया है, तुम्हारी दिनचर्या ऐसी है कि चटपटे से भरी हुई है। इसीलिए जब कुछ
सहज निर्मल सुपाठ्य सामने आता है तो जबान उससे कतराती है। अब उस क्षण पर कुछ खास नहीं किया जा सकता। सुबह से शाम तक जो चटोरापन है उस पर नजर रखो, ये कर सकते हो। उस पर नजर नहीं रखी, वही वही खाते रहे जो लगातार खाते हो, तो फिर परिणाम भी वही निकलेगा जो निकल रहा है। कर्मफल बुरा लगता है, तुम कर्मफल बदलना चाहते हो ना लगातार, कर्म पर ध्यान नहीं देते, कर्ता की तो बात ही छोड़ दो। ये कर्मफल है कि जब हाथ में जीसस आते हैं, उपनिषद आते हैं, तो मन बिदकता है। कर्म क्या है? कर्म ये है कि अन्यथा क्या पढ़ते रहते हो। फिल्मी गीतों पे नाचोगे तो मीरा के गीत तो उबाऊ लगेंगे ही ना। आज सुबह जो हो रहा है उसकी जड़ें कल रात में हैं, कल रात में जो हो रहा है उसकी जड़ें परसों रात में हैं, उसकी जड़ें उससे पहले हैं। बहुत दूर नहीं जा सकते, आदि मूल में नहीं जा सकते, तो कम से कम जो अभी हो रहा है उस पर तो नजर रख लो। लोग समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं, जानते हो। एक ऐसे गीत में डूबे हुए हो जिसमें स्थूलता ही स्थूलता है, जो पूरा सतही है, जो इंद्रियों को झनझनाए दे रहा है, मन को उत्तेजित किए दे रहा है, और उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए जो मन को शांति देगा, तो उकताओगे। तुम्हारे दल में इधर उधर की बातें चल रही हो, संसार की सारी कहानी चल रही हो, तो उसके तुरंत बाद जब परमात्मा की चर्चा होने लगेगी तो यही लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, अभी तक तो हम संसार को इतनी गंभीरता से ले रहे थे, उसी की बात कर रहे थे, तुम्हारे घर में कौन है, तुम क्या काम करते हो, और ये अचानक किस और घर की बात शुरू हो गई। अब जिस घर की बात हो रही होगी उस बात से मन भागेगा, क्योंकि दोनों काम वो कैसे कर लेगा एक साथ। अभी अभी तो तुम इस बात को महत्व दे रहे थे कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है और मेरे बच्चे कैसे हैं, अब अचानक तुम कैसे महत्व दे दोगे इस बात को कि पत्नी और बच्चों से आगे कुछ और है, कैसे दे दोगे, दोनों काम एक साथ कैसे कर लोगे। सुबह तुम्हारा जगने में और पढ़ने में मन लग नहीं रहा तो उसका संबंध रात की गतिविधियों से देखो ना। सुंदर आग थी, नरम आँच थी, वहां बैठ करके कोई शीतल सुमधुर गीत भी गा सकता था, आत्मिक चर्चा भी हो सकती थी। उसकी जगह अगर सब उत्तेजनापूर्ण और सतही
नाच गाना क्रियाकलाप हों। तो अगली सुबह जीसस पे मन न लगना लाजमी है। हुँ?